जी गुड इवनिंग, दिस इज इमरान उल हक विद अ न्यू वीडियो एंड इट इज एकेडमिक बुक 18 टेस्ट 4 यू कैन से रीडिंग पैसेज 2 द ग्रोथ माइंड सेट। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। ओके यस, दिस इज द नाइट मेयर ऑफ एवरी स्टूडेंट, आई हैड स्टूडेंट स्पेशली। यू कैन सी ए बी सी डी, दीज आर द options, okay, multiple options, MCQs, you can say, write the correct letter in the boxes, okay, as you know, we are just doing practice, we will write the answer in front of the questions, not in the box, because we are not sitting in exams, you will have to be careful while writing the answer. So let's start. What can we learn from the first paragraph? Okay, we will have to read out first paragraph. Okay, let's see. Okay. फर्स्ट पैराग्राफ, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। ओवर द पास्ट सेंचुरी, पिछली सदी में अ पावरफुल आइडिया हैज टेकन रूट इन द एजुकेशनल लैंडस्केप। एजुकेशनल जो लैंडस्केप है, तालीमी मैदान है, वहाँ पे एक पावरफुल आइडिया जो है उसने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज समथिंग इननेट हैज़ बीन सप्लांटेड। एक कॉन्सेप्ट है कि जो इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो जहानत का कॉन्सेप्ट है ना, एज समथिंग इननेट, कि ये बाय बर्थ होती है, पैदाइशी होती हैज़ बीन सप्लांटेड। अब ये शिफ्ट हो गई है, अब ये रिप्लेस इसको किया कर दिया गया है बाय द आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स, कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है। पहले तो एक कॉन्सेप्ट था कि इंटेलिजेंस जो है वो बाय बर्थ है, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है जी, रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ जी? ठीक है, is not fixed and that with the right training or right training साथ we can be the author of our own cognitive abilities। तो हम हमारी जो अपनी logical abilities हैं, जो इल्मी जो काबिलियत है ना, हम उनको बेहतर बना सकते हैं, हम उनके खुद author हो सकते हैं। Psychologist Alfred Binet जो है, ठीक है, the developer of the first intelligence test, वो first intelligence test का developer है, बनाने वाला है, was one of the many 19th centuries scientist, वो 19th century का scientist है, who held that earlier view, वो ये जो पुराना है पिछली century का view जो है कि जो intelligence है वो by birth होती है, उसका भी यही ख्याल है, and sought to quantify quantitative ability। ठीक है जी, वो जो cognitive ability है उसको वो quantify करता है। then in the early 20th century, अब वो early 20th century की करता है। ठीक है, अब अर्ल जो बेनेट है, ये जो पास सेंचुरी का है, वो हमारे पास कुदरती जो काबिलियत है उसका कायल है, और अब वो क्या कहता है, देन इन द अर्ली 20th century द प्रोग्रेसिव थिंकर। अब जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं ना, जदीद थिंकर जो हैं, वो क्या करते हैं, रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोशन, वो इस ख्याल के उन्होंने खिलाफ बगावत कर दी है, वो इसके खिलाफ हैं, दैट इनहेरेंट एबिलिटी इज डेस्टिनी। कि ठीक है जी, कि ये जो कुदरती जो एबिलिटी है ये फिक्स्ड है, ठीक है जी, यही डेस्टिनी होती है, इसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया है। इंस्टेड एजुकेटर सच एज जॉन डे भी कहता है, आर्ग्यू दैट एवरी चाइल्ड इंटेलिजेंस कुड बी डिवेल्प्ड, किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस को डिवेल्प किया जा सकता है। तो अब देखते हैं जी हम कि क्या है, वेयर द नोशन ऑफ इनेट इंटेलिजेंस बिगेन। अच्छा ये देखें, वेयर का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, उसने बताया ज़रूर है कि 19th century है, ओवर द पास सेंचुरी है, लेकिन ही डिडंट मेंशन द प्लेस। व्हेन आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बिगेन टू शिफ्ट, ये आप देख लें, व्हेन आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बिगेन टू शिफ्ट, ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, लेकिन हम और भी देखते हैं। हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पॉन्डेड टू चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा आप देखें, चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बदलने के जो नज़रियात हैं उसके बारे में कैसे साइंटिस्ट ने रिस्पॉन्ड किया। तो आप देखें कि साइंटिस्ट ने कहीं पे भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। साइंटिस्ट जो है, हु हेल्ड दैट अर्लियर व्यू, ये साइंटिस्ट है एक था जिसने, ये अर्लियर व्यू था उसका, ठीक है, सॉट क्वान्टिफायर कोग्नेटिव एबिलिटी, तो किसी ने भी आप देखें कि रिस्पॉन्ड नहीं किया। चेंजिंग जो हमारे पास चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस है, इसको किसी ने भी उनमें से रिस्पॉन्ड नहीं किया। वाई थिंकर्स टर्न्ड अवे फ्रॉम द इंटेलिजेंट ऑफ द बीइंग फिक्स्ड, ये बात ज़रूर उन्होंने की है कि थिंकर्स टर्न्ड अवे, उन्होंने रिवोल्ट ज़रूर किया है। ये देखें, कहता है ये यहाँ पे,
थिंकर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोशन, ये उन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट द नोशन इनहेरेंट एबिलिटी डेस्टिनी, ये जो फिक्स्ड एबिलिटी है उसके बारे में उन्होंने थिंकर्स ने, प्रोग्रेसिव थिंकर्स ने ज़रूर किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वाई उन्होंने कहीं पे भी इसकी रीज़न नहीं बताई कि वो क्यों इसके बारे में टर्नड, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं, क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है नहीं। तो व्हेन द आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बिगन टू शिफ्ट, हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी, पास्ट सेंचुरी में तो ये जो थी, जो पावर आइडिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस का, इननेट हैज़ बीन सप्लांटेड, इसको बदल दिया गया। इसका मतलब है इननेट जो इंटेलिजेंस थी उसका कॉन्सेप्ट था उसको बदल दिया गया। किस में? द इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स, के इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, ठीक है जी। तो फिर पहले तो वो कहता है कि साइकोलॉजिस्ट जो था हु हेल्ड द अर्लियर व्यू, अल्बर्ट बेनेट द डेवलपर ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज वन ऑफ मेनी 19th सेंचुरी साइंटिस्ट हु हेल्ड द अर्लियर व्यू, इसका भी अर्लियर व्यू था ये कि इंटेलिजेंस जो है वो इननेट होती है एंड सॉट टू क्वांटिफाई। देन इन द 20th सेंचुरी, फिर 20वीं सदी में प्रोग्रेसिव थिंकर कहते हैं कि रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोशन दैट इनहेरिट एबिलिटी इज डेस्टिनी, वो इसके खिलाफ जाते हैं। तो इसका मतलब है आइडियाज यहाँ से चेंज होने लग गया है, ठीक है। एजुकेटर सच एज डेवी आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन इंटेलिजेंस कुड बी डिवेल्प्ड, डेस्टिनी नहीं है बल्कि इसको डिवेल्प भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ये वाली जो है वो आपके यहाँ आ रही है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, ठीक है जी। वो हमारे पास अगर आप देख रहे हैं तो ये है हमारे पास कि आप सेकंड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स हाउ स्कूल इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू, सेकंड पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है, ठीक है जी, कि स्टूडेंट्स को स्कूल्स कैसे इनकरेज करते हैं, किस तरफ करते हैं जी, वो हम देखेंगे कि वो किस तरफ इनकरेज करते हैं। सेकंड पैराग्राफ है तो वो हम पढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी इज रिलेटिवली न्यू, ये ग्रोथ माइंडसेट की थ्योरी काफ़ी नई है एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर भी है जी, वर्शन ऑफ दिस आइडिया। In many schools today, you will see hallways covered in motivational papers. बहुत से schools के जो hallways हैं, ठीक है जी, राहदारियाँ हैं, वहाँ पर motivational posters लगे होते हैं and here speeches on the mindset of great sporting heroes, और जो बहुत बड़े खेल के heroes होते हैं उनके mindset के बारे में speeches सुनाई देती हैं, who simply believed their way to top, कि वो कैसे ऊपर को गए। अ मेजर फोकस ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट इन स्कूल, ये देखें, इन स्कूल इज कोक्सिंग स्टूडेंट, ये देखें, इज कोक्सिंग स्टूडेंट, वो इनकर्ज करते हैं स्टूडेंट्स को अवे फ्रॉम सीइंग फेलियर, के वो फेलियर को ना देखें एज एन इंडिकेशन ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी में फेलियर को ना देखें, उनकी एबिलिटी में फेलियर नहीं है, एंड टूवर्ड्स सीइंग इट एज इट चांस टू इम्प्रूव द एबिलिटी, और इसको ऐसे देखें, अगर देखना है तो देखें चांस टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी, कि वो इस को देखते हुए अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है जी। एज एजुकेशनिस्ट जेफ हॉवर्ड नोटेड सेवरल डेकेड्स अगो, स्मार्ट इज नॉट समथिंग दैट जस्ट यू आर, स्मार्ट होना वो ये नहीं है जैसे कि आप हैं, स्मार्ट इज समथिंग यू कैन गेट, दैट यू कैन गेट, स्मार्ट वो है कि आप कैसे चीज़ों को हासिल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी, आइडेंटिफाई देयर पर्सनल एम्बिशन, देखें पर्सनल एम्बिशन की शनाख्त करनी है, कहीं पे भी पर्सनल एम्बिशन का जिक्र नहीं है। हेल्प ईच अदर, कहीं पे भी हेल्प ईच अदर नहीं लिखा हुआ। हैव कॉन्फिडेंस, जी हेल्प कॉन्फिडेंस इन टू सक्सीड, ये देख लें, हैव कॉन्फिडेंस। कंसंट्रेट ऑन वेयर देयर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ लाई, कहाँ उनकी मखसूस स्ट्रेंथ है ये भी देखना है, लेकिन ये गलत है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो ये, वो देखते हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन देयर पोटेंशियल टू सक्सीड, ठीक है जी, ये देखें। इन स्कूल कॉक्सिंग स्टूडेंट, वो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अवे फ्रॉम सीइंग फेलियर, कि वो नाकामी को ना देखें एज एन इंडिकेशन ऑफ देयर एबिलिटी एंड टूवर्ड्स सीइंग इट एज अ चांस टू इम्प्रूव दैट एबिलिटी। अगर आपने देखा है तो फिर अपनी एबिलिटी जो है उसको बेहतर बनाएं, अपना एतमाद बनाएं, और वो उसको आपने पोटेंशियल एबिलिटी है, आपका पोटेंशियल है, इम्प्रूव करना है, इन्हेंस करना है, तो पोटेंशियल टू सक्सीड है, ठीक है जी। तो ये देख लें आप, नेक्स्ट है हमारे पास इन द थर्ड पैराग्राफ, ये है थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास। द राइटर सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स विद अ फिक्स माइंडसेट, जो राइटर सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स जो फिक्स माइंडसेट है जिनका, वो क्या करते हैं, ठीक है जी। हम देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की बात करता है राइटर का, यहाँ पे फिक्स्ड माइंडसेट की बात है, तो फिक्स्ड माइंडसेट है। द सेकंड ग्रुप दोज हु हैड बीन इंस्टिल्ड
विद द ग्रोथ माइंडसेट, ये देखें द सेकेंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप है दोज हु हैड बीन इंस्टिल विद ग्रोथ माइंडसेट, जो जिनमें सेकेंड ग्रोथ माइंडसेट को इंस्टिल किया गया है, वर सब्सिक्वेंटली फॉर मोर लाइकली टू पुट एफर्ट इन टू फ्यूचर टास्क, वो नतीजातन क्या करते हैं, वो उनका इम्कान होता है कि वो फ्यूचर टास्क जो है उस पर एफर्ट्स पुट करें। मीन वाइल द फॉर्मर टुक ऑन ओनली दोज टास्क दैट वुड नॉट रिस्क देयर सेंस ऑफ वर्थ, ठीक है, दिस ग्रुप हैड इन्फॉर्म्ड दैट सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू इनेट एबिलिटी, इस ग्रुप को बताया गया है कि जो कामयाबी और नाकामी है ना, वो सिर्फ कुदरती जो एबिलिटी है, इनेट एबिलिटी है, उसकी वजह से है, ठीक है जी। एंड दिस फिक्स माइंडसेट हैड लेड टू फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ एफर्ट, और ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट फिक्स माइंडसेट वो स्टूडेंट्स को ले गया है नाकामी के खौफ की तरफ और जो कोशें हैं उनके कमी की तरफ, ठीक है जी। प्रेजिंग एबिलिटी मेड द स्टूडेंट्स परफॉर्म वर्स, प्रेजिंग एबिलिटी एक्चुअली मेड द स्टूडेंट्स परफॉर्म वर्स्ट वाइल प्रेजिंग एफर्ट एम्फसाइज दैट चेंज वॉज पॉसिबल, अगर आप एबिलिटी को प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे, तो हकीकत में आप स्टूडेंट्स को परफॉर्म, वो हकीकत में परफॉर्म वर्स्ट करेगा, सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर आप उसकी कोशों को प्रेज कर रहे हैं तो फिर पॉसिबल है कि वो चेंज ले आए, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, टेंड टू लेस कंपेटिटिव, कहीं पे भी नहीं लिखा कि टेंड टू के वो कम कंपेटिटिव बने, ठीक है जी। फिक्स माइंडसेट वाले जनरली हैव अ लो सेंस ऑफ स्टीम, लो सेंस ऑफ स्टीम का भी कहीं पे भी जिक्र नहीं आया, ठीक है। विल ओनली वर्क हार्ड इफ दे आर गिवन कॉन्स्टेंट इनकरेजमेंट, अगर उनको मुसलसल इनकरेजमेंट दी जाएगी तो वो वर्क हार्ड करेंगे, ये भी नहीं है। आर अफ्रेड, ये देखें, आर अफ्रेड टू पुश देमसेल्फ बियॉन्ड दैट व्हाट सी द लिमिट्स, आर अफ्रेड टू पुश देमसेल्फ बियॉन्ड, वो खौफजदा होता है कि अपने आप को आगे ले जाएं, व्हाट दे सी एज देयर लिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन से बाहर ले जाएं, तो ये भी देख लें। द फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो हैड लेड देम टू फियर, किस तरफ लेके जाता है, फियर ऑफ फेलियर एंड द लैक ऑफ एफर्ट्स, तो ये भी वही कहता है कि आर वो खौफजदा होते हैं कि वो अपने आप को पुश करें और उन जो व्हाट दे सी एज देयर लिमिटेशन, अपनी बाउंड्रीज के बाहर ले जाने से वो खौफजदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ले लें, ये इसका भी है हमारे पास, ये जो थ्री है उसमें हमारे पास आ रहा था, ये है हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनकी वो बात करता है, ठीक है जी।